हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने कैपेसिटर को इंट्रोड्यूस किया था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, राइट? कैपेसिटर एक ऐसी चीज होती है जिसमें आप चार्ज स्टोर कर सकते हैं, राइट? अब कोई भी चीज जब स्टोर करेंगे तो उसकी कैपेसिटी डिफाइन करना जरूरी है कि भाई कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, राइट? तो हमने कैपेसिटी की कुछ इस तरह से डिफाइन की थी कि भैया अगर मैंने क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज उसमें डाला तो अगर मेरा पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो मतलब उसकी कैपेसिटी ज्यादा है, वो और चार्ज अपने ऊपर स्टोर कर सकता है, राइट? तो इसलिए मैंने Q इज प्रोपोर्शनल टू V किया, और जो कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है दोस्तों, उसको मैंने बोला कि वो कैपेसिटी है, क्योंकि अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो कैपेसिटेंस ज्यादा होना चाहिए, राइट? सो दैट इज वाई Q इज इक्वल टू CV. अब हमने फिर उसके बाद ये जाना कि भाई कैपेसिटेंस, जो कैपेसिटी होती है, वो ज्योमेट्रिकल शेप एंड साइज के ऊपर ही डिपेंड करती है, फाइन? तो इसलिए जो है हमने देखा अलग अलग तरह की ज्योमेट्री का कैपेसिटेंस, राइट? टिपिकली तीन तरह के कैपेसिटर्स पाए जाते हैं दोस्तों, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, दूसरा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होता है, और तीसरा स्फेरिकल कैपेसिटर होता है, राइट? और इन तीनों केसेस में हमने कैपेसिटेंस निकाला, उसकी कैपेसिटी निकाली कि भाई कितना कैपेसिटी होगी, राइट? तो ये सब हमने किया था पहले लेक्चर में, राइट? तो हमने काफी मैथमेटिकली ये सब डिराइव किया और काफी मैथमेटिकल रहा है सब कुछ, राइट? इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम थोड़ा फिजिकली बात करेंगे कि कैपेसिटेंस को किन किन चीजों से और फर्क पड़ता है. अगर मैं कुछ मटेरियल या मीडियम चेंज कर दूं दो मेटल प्लेट्स के बीच में या दो मेटल कंडक्टर्स के बीच में, तो क्या कैपेसिटी चेंज हो जाएगी? तो हम वो डिस्कस करेंगे यहां पे, ठीक है? और साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे दोस्तों कि अगर मैं एक से ज्यादा कैपेसिटर कनेक्ट कर दूं तो कैसे उसकी कैपेसिटी ओवरऑल निकालूंगा, क्योंकि सिंगल कैपेसिटेंस का कैपेसिटी तो मैं आराम से निकाल सकता हूं, मेरे पास तीन तरह के फॉर्मूले हैं. लेकिन अगर मान लीजिए तीन चार कैपेसिटर मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिए, तो उन तीनों का कैपेसिटी मैं एक साथ कैसे निकालूंगा, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, राइट? और टुवर्ड्स द एंड दोस्तों हम बात करेंगे कि भाई कितनी एनर्जी स्टोर करता है कैपेसिटर, क्योंकि जब कैपेसिटर चार्ज स्टोर करता है दोस्तों, तो एक तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज होता है. भाई दो पॉइंट चार्जेस के बीच में एनर्जी तो फिक्स्ड है, के Q1 Q2 बाई R. अब अगर मान लो बहुत सारे पॉइंट चार्जेस स्टैक्ड हैं, यहां प्लस क्यू प्लेट है या माइनस क्यू प्लेट है, तो वो भी कुछ एनर्जी स्टोर ही कर रहा होगा, राइट? तो हम कितनी एनर्जी स्टोर कर रहा है उसके बारे में जानेंगे और उसको क्वांटिफाई करेंगे, फाइन? और जैसे ही उसको क्वांटिफाई कर देंगे दोस्तों, तो हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज कर सकते हैं, जो कि यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, राइट? तो चलिए दोस्तों, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस. ओके, चलिए. तो मैं एक कैपेसिटर ऐसे बना लेता हूं, ये रहा मेरा कैपेसिटर, ठीक है? इसके बीच में दोस्तों मान लीजिए मैंने ऐसे एक डाइलेक्ट्रिक लगा दी. डाइलेक्ट्रिक होता क्या है? डाइलेक्ट्रिक एक इंसुलेटेड मटेरियल होता है, ठीक है? और उसके अंदर जो है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो फ्री टू मूव नहीं होते हैं दोस्तों, ठीक है? तो क्या होगा? अब अगर मान लीजिए ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है, राइट? तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दोस्तों इस डायरेक्शन में, फाइन? तो ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन. अब हालांकि इलेक्ट्रॉन्स फ्री टू मूव नहीं है, लेकिन फिर भी फोर्स तो एक्सपीरियंस करेंगे, क्योंकि डायलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, फोर्स एक्सपीरियंस तो हो गई. अगर ये मेटल होता तो क्या होता? जो इलेक्ट्रॉन होता इस तरफ, अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन होता मेटल में, ये फटाफट इस तरफ भाग जाता, तो यहां पे खूब सारे इलेक्ट्रॉन आ जाते, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता, फाइन? और तब तक ऐसा होता रहता जब तक जो इन दोनों की वजह से जो फील्ड है इसको कैंसल आउट ना कर दे, ठीक है? लेकिन ये तो डायलेक्ट्रिक है, इसमें तो इलेक्ट्रॉन फ्री मूव नहीं कर सकता है, राइट? लेकिन अल्टीमेटली कोई भी एटम जो है इस तरह से होता है कि भाई ये पॉजिटिव चार्ज है और एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है इसमें, इस तरह से, राइट? अगर इसमें आप इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे दोस्तों, तो ये पूरा डिस्टॉर्ट हो जाएगा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा और जो नेगेटिव चार्ज है वो एज इफ यहां पे शिफ्ट हो गया, ऐसा फील आएगा, राइट?
तो पूरा का पूरा ये एक डाइपोल बन जाता है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है एक तरह से आप बोल सकते हैं कि दोनों सेपरेट हो गए हैं और ये डाइपोल कैसे काम कर रहा है। हालांकि नेगेटिव चार्ज एटम के अंदर ही रहेगा लेकिन डिस्टॉर्ट हो गया एटम पूरा का पूरा, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि यहां पे हमें ढेर सारे डाइपोल देखने को मिलेंगे। यहां नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे करके ये चार्ज सेपरेशन हो जाएगा और खूब सारे यहां पे डाइपोल मोमेंट बन जाएंगे। तो पूरा डाइपोल मोमेंट से ये भर जाएगा जितना भी डाइलेक्ट्रिक है, ओके। और अगर इसको ध्यान से देखा जाए दोस्तों, तो ये जो पॉजिटिव लेफ्ट हैंड साइड का डाइपोल है और नेगेटिव राइट हैंड साइड का डाइपोल है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं, ओके। और सिमिलरली ये कैंसल आउट कर रहा है, ये भी कर रहा है, और ऐसे कैंसल आउट करते हुए चला जाएगा। जो एंड में बचेगा दोस्तों चार्ज, वो नेगेटिव चार्ज इस तरफ बचेगा और पॉजिटिव चार्ज उस तरफ बचेगा, ओके। तो इसको हम थोड़ा सा और क्लियरली बना लेते हैं। तो भाई ये जो प्लस क्यू चार्ज है, ये तो प्लेट का चार्ज हो गया, और माइनस क्यू यहां पे प्लेट का चार्ज हो गया, राइट। और जो डाइपोल मोमेंट की वजह से जो चार्ज यहां पर आएगा, उसको मान लीजिए ये माइनस क्यू है, और यहां पे जो चार्ज नेट नेट बन के आ रहा है उसको मान लीजिए प्लस क्यू है। ये डाइपोल मोमेंट्स की वजह से लगेगा एज इफ नेगेटिव चार्ज यहां आ गया और पॉजिटिव चार्ज वहां चला गया, फाइन। अब जो है एक देखने वाली चीज ये है कि जो ये प्लस क्यू की वजह से और ये माइनस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी दोस्तों, वो इस तरह से आएगी। ये हो गई आपकी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइन। और ये जो इंड्यूस डाइपोल मोमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो होगी इस तरह से। ये हो गई आपकी इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइन। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैपेसिटर कितनी हो गई दोस्तों? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैपेसिटर हो गई ई एक्सटर्नल माइनस ई इंटरनल, ठीक है। अब ई एक्सटर्नल कितना है? ई एक्सटर्नल मुझे तो ये पता ही है कि दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, जो प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आनी चाहिए, वो सिग्मा बाई टू इप्सिलॉन नॉट है इस डायरेक्शन में, और इसकी वजह से भी इसी डायरेक्शन में सिग्मा बाई टू इप्सिलॉन नॉट आएगी, क्योंकि दोनों की चार्ज डेंसिटी सेम है, राइट। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट, और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी दोस्तों सिग्मा पी डिवाइडेड बाई इप्सिलॉन नॉट। भाई क्योंकि बात यहां पर यह है कि जो सिग्मा है ये चार्ज डेंसिटी है जो प्लेट में थी, और सिग्मा पी है वो चार्ज डेंसिटी ड्यू टू इंड्यूस डाइपोल मोमेंट है, फाइन। सिग्मा को मैं कैसे लिख सकता हूं? सिग्मा को आप लिख सकते हैं क्यू डिवाइड बाई एरिया, सो दिस विल बी क्यू बाई ए इप्सिलॉन नॉट, एंड दैट विल बी स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई ए इप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये आपकी हो गई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। पहले कितनी थी इलेक्ट्रिक फील्ड? जब हमने डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला था तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी? इलेक्ट्रिक फील्ड वॉज सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट, फाइन। और जब हमने डाइलेक्ट्रिक डाला तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी हो गई, फाइन। तो इसको मैं चार्ज के टर्म में लिख लेता हूं, तो दिस विल बी क्यू बाई ए इप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब हर डाइलेक्ट्रिक जो है अलग अलग तरीके से अफेक्ट करेगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई ये कोई एक डाइलेक्ट्रिक है जिसका ये Q इंड्यूस हुआ, और कोई और डाइलेक्ट्रिक डालेंगे जिसमें 2Q इंड्यूस हो जाएगा, और थर्ड डाइलेक्ट्रिक डालेंगे जिसमें Q बाई 2 ही इंड्यूस होगा। तो डाइलेक्ट्रिक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी चेंज हो रही है, राइट। तो हम लोग एक ऐसा टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं जो डाइलेक्ट्रिक को डिफाइन करता है, और वो टर्म है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, फाइन। तो लिख लीजिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो होता है रेशियो बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट डाइलेक्ट्रिक डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड विथ डाइलेक्ट्रिक, ओके। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे E नॉट है, और अगर आपने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया उसमें जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी?
1 बाई के टाइम्स, ओके। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी हो जाएगी जो पहले की इलेक्ट्रिक फील्ड है डिवाइडेड बाई के, ओके। तो भाई ये जो आया मेरा ये क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी इक्वल टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाई के, राइट। वही तो डायलेक्ट्रिक का डेफिनेशन है, राइट। तो भाई अगर हम उसको और इसको इक्वेट कर देंगे तो हमारे पास आएगा Q डिवाइडेड बाई के ए एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट माइनस स्मॉल Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, राइट। जब इसको सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो आपको आएगा वैल्यू ऑफ स्मॉल Q इक्वल टू Q टाइम्स 1 माइनस 1 बाई के, ठीक है। तो आपने ये निकाल लिया कि भाई डाइपोल मोमेंट की वजह से कितना चार्ज डेंसिटी होगा इस प्लेट की तरफ और उस प्लेट की तरफ। तो आपने ये चार्ज निकाल लिया एंड क्यू बाई ए विल बी चार्ज डेंसिटी, ओके। अब हमने चार्ज तो निकाल लिया है दोस्तों, लेकिन कैपेसिटेंस को क्या फर्क पड़ेगा, क्या कैपेसिटेंस चेंज होगी, क्या वैल्यू ऑफ सी यहां पर बदलेगी। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई आपकी, इलेक्ट्रिक फील्ड आई मेरी ई नॉट बाई के, ठीक है, इज इक्वल टू ई नॉट बाई के। तो मेरा जो पोटेंशियल डिफरेंस पहले था वो कितना था दोस्तों, वो था ई नॉट इंटू डी, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, फाइन। अब अगर मैं डी से मल्टीप्लाई कर दू दोनों तरफ तो ई इंटू डी कितना आ गया मेरे पास, ई नॉट डी बाई के, ठीक है। तो नया जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोस्तों वो हो जाएगा पहले का पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई के, ठीक है। और चार्ज तो उतना का उतना ही रहेगा, डायलेक्ट्रिक डालने से नेट चार्ज जो Q है वो Q ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, राइट। तो अगर मैं ये बोलूं कि Q नॉट बाई V नॉट, ये अगर C है तो Q नॉट बाई V मेरा होना चाहिए नया कैपेसिटेंस, इसको मैं C नॉट ले लेता हूं, ये C होना चाहिए, राइट। और V कितना है, V नॉट बाई K है। तो जब इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा दोस्तों तो मेरे पास आएगा Q नॉट बाई V नॉट K टाइम्स ऑफ दैट इज इक्वल टू C, ओके। और Q नॉट बाई V नॉट क्या है, Q नॉट बाई V नॉट मेरा C नॉट है, तो कैपेसिटेंस हो गया मेरा K टाइम्स अर्लियर कैपेसिटेंस, ओके। सो मैं यहां लिख देता हूं, जो न्यू कैपेसिटेंस है इज इक्वल टू K टाइम्स अर्लियर कैपेसिटेंस। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको आप याद रखिए कि भाई जो कैपेसिटी है कैपेसिटेंस की वो K टाइम्स हो जाएगी अगर आप डायलेक्ट्रिक डाल देते हैं ऑफ वैल्यू K बिटवीन द मेटल्स, ओके। फाइन दोस्तों, तो अब हमने ये भी जान लिया है कि डायलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटेंस कैसे चेंज होगा। अब हम डिस्कस करते हैं दोस्तों कि अगर मल्टीपल कैपेसिटर एक साथ कनेक्टेड हैं तो हम उस सिचुएशन से कैसे डील करेंगे, ओके। पहले तो ये जान लीजिए कि कैपेसिटर कैन बी कनेक्टेड इन मल्टीपल डिफरेंट वेज, फाइन। जरूरी नहीं है कि सिर्फ सीरीज और पैरेलल कनेक्शन ही हो, लेकिन जो सीरीज और पैरेलल कनेक्शन होता है वो थोड़ा सा स्पेशल होता है, उसकी कुछ यूनिकनेस होती है, राइट। फॉर एग्जांपल सीरीज कनेक्शन में आप देखेंगे कि चार्ज जो है सारे कैपेसिटेंस में सेम होगा, और जब आप पैरेलल कैपेसिटर के बारे में बात करेंगे तो देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस सब में सेम होता है। तो क्योंकि वो यूनिकली आइडेंटिफाई होते हैं इसलिए हम उनकी अलग से स्टडी करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही दो कनेक्शन हो कैपेसिटर में, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं सीरीज कनेक्शन की। भाई ये रहा एक कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर, इस तरह से मैंने तीन कैपेसिटर कनेक्ट कर दिए, ठीक है, और इसको मैंने लगा दिया एक बैटरी के साथ। V है ये C1, ये C2, ये रहा C3, ओके। अब यहां पे आप ये चीज देखिए कि भाई बैटरी ने इसको चार्ज सप्लाई किया तो समझ लीजिए इसके पास चार्ज गया Q,
इसके पास कितना जाएगा, ऑटोमेटिकली इसके पास माइनस क्यू ही जाएगा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट। गॉस लॉ लगा के आप देख सकते हैं कि वहां पे माइनस क्यू ही आएगा, ओके। अब यहां पर कितना चार्ज आएगा दोस्तों, इधर यहां पे चार्ज निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये प्लेट और ये प्लेट दोनों मिला के आइसोलेटेड हैं, मतलब कि ये जो सिस्टम है दोस्तों, ये सिस्टम आइसोलेटेड है, ये किसी से कांटेक्ट में नहीं है। तो जो पहले चार्ज था इसके पास उतना ही चार्ज अभी भी होगा। तो पहले कितना चार्ज था, जीरो था, तो अभी भी जीरो होना चाहिए। ये माइनस क्यू है तो यहां पे प्लस क्यू आना चाहिए, तो सिमिलरली यहां पर माइनस क्यू आ जाएगा और यहां माइनस क्यू आएगा, तो क्योंकि ये दोनों मिला के फिर एक आइसोलेटेड सिस्टम है तो यहां पे प्लस क्यू आएगा और यहां प्लस क्यू है तो यहां पे तो माइनस क्यू आ ही जाएगा, राइट। तो आप देखेंगे कि कैपेसिटेंस जब सीरीज में कनेक्ट होता है दोस्तों तो सब में इक्वल चार्ज होता है, ठीक है। तो ये सीरीज कनेक्शन की पहचान है कि चार्जेस ऑन ऑल कैपेसिटर विल बी हैविंग सेम वैल्यू, ओके। और जो पॉजिटिव प्लेट ऑफ वन कैपेसिटर है वो नेगेटिव प्लेट ऑफ अदर कैपेसिटर से कनेक्टेड रहेगी, ओके। अब मैं तीन कैपेसिटर एक साथ अगर मुझे डील करने हैं तो मेरे लिए सबसे सिंपलिस्टिक सिनेरियो तो ये है दोस्तों कि मैं सिर्फ एक ही कैपेसिटर रखूं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं इन तीनों को ऐसे ट्रीट करूं कि एज इफ सिंगल कैपेसिटर है? कहने का यह मतलब है कि अगर मैं बोल दूं कि दिस सर्किट इज इक्विवेलेंट टू अ सिंगल कैपेसिटर सर्किट ऑफ कैपेसिटेंस सी इक्विवेलेंट, ठीक है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस वी है, फाइन। तो क्या ऐसा हो सकता है भाई? अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा, आपने इन तीनों कैपेसिटर को रिप्लेस कर दिया सिंगल कैपेसिटर से, राइट। तो अगर आपने रिप्लेस कर दिया तो सर्किट में किसी और को पता नहीं लगना चाहिए कि ये कुछ यहां पर चेंज आया है। जो चेंज है दैट शुड नॉट बी फेल्ट बाई अदर सर्किट एलिमेंट अदर देन कैपेसिटर, ठीक है। और क्या है यहां सर्किट में, बैटरी है दोस्तों, बैटरी को पता नहीं लगना चाहिए। पता नहीं लगने चाहिए का क्या मतलब है यहां पर, यह मतलब है कि जो भी चार्ज यहां पे सप्लाई हो रहा है, समझ ली, यहां पे चार्ज क्या सप्लाई हो रहा है, ये सिर्फ एक ही प्लेट है इससे कनेक्टेड, तो यहां से प्लस क्यू ही जाएगा, फाइन। उतना ही चार्ज यहां से भी जाना चाहिए, मतलब बैटरी को पता नहीं लगना चाहिए कि कुछ चेंज हुआ है, तभी तो बोलेंगे कि वो उसके इक्विवेलेंट है इन तीनों के, फाइन। तो यहां पे भी चार्ज प्लस क्यू आएगा और इधर माइनस क्यू आएगा दोस्तों, फाइन। तो जब सीरीज कनेक्शन होता है दोस्तों तो ना केवल जितने भी सीरीज कनेक्शन में उनमें चार्ज सेम होगा, बल्कि यहां पर जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया उसमें भी वही चार्ज होगा, ठीक है। अब हम जानते हैं वैल्यू सी इक्विवेलेंट की क्या है, ओके। ये जानने के लिए सबसे पहले आप यहां नंबरिंग कर लीजिए, ये पॉइंट नंबर वन, इसको टू बोल दीजिए, ये थ्री है और ये फोर है, ठीक है। आपने जब इन तीनों को एक सिंगल लिख दिया तो टू और थ्री तो गायब हो गए, लेकिन वन और फोर अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, फाइन। अब हम देखते हैं कि भाई किस तरह से इसको डील करें। वी वन माइनस वी टू इज वॉट, पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट बिटवीन पॉइंट वन एंड पॉइंट टू। अब पोटेंशियल डिफरेंस अगर मुझे निकालना है, उसके बीच में क्या है, कैपेसिटर है, सिर्फ कैपेसिटर ही पोटेंशियल डिफरेंस ला सकता है इन दोनों के बीच में। और अगर कैपेसिटर पोटेंशियल डिफरेंस ला रहा है तो उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, उसकी वैल्यू होनी चाहिए क्यू बाई सी, तो यहां पर सी है सी वन, फाइन। और जो वी वन माइनस वी टू कर रहा हूं दोस्तों, तो मैं पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट जा रहा हूं, तो मतलब वन की पोटेंशियल टू से ज्यादा होगी, तो ये सही इक्वेशन है, ओके। सिमिलरली आप ये देखिएगा कि वी टू माइनस वी थ्री ये कितना है, क्यू बाई सी टू है दोस्तों, राइट। और वी थ्री माइनस वी फोर जब आप लिखेंगे तो आप पाएंगे कि ये इतना है, राइट। और जब इन तीनों इक्वेशन को आप एड कर देंगे, ठीक है, इन तीनों को जब आप एड कर देंगे तो आप देखेंगे कि v2 कट गया, फाइन, और v3 भी कट गया, सिर्फ v1 माइनस v4 यहां पे बच रहा है, फाइन।
इन तीनों को ऐड करने से आपके पास ये इक्वेशन आएगी, V1 माइनस V4 इज इक्वल टू Q by C1 प्लस Q by C2 प्लस Q by C3। फाइन, अब ये इक्वेशन तो आ गई आपकी इस सर्किट से। फाइन, और इस सर्किट को जब आप देखेंगे तो 1 और 4 अनचेंज्ड है, तो V1 माइनस V4 इज ऑल्सो इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई C इक्वलेंट, राइट। तो जब इन दोनों को आप इक्वेट करेंगे तो आप पाएंगे कि 1 बाई C इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। फाइन, और अगर ज्यादा कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं तो आप बस इसको ऐड करते हुए चले जाइए। फाइन, तो इस तरह से आप इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकाल सकते हैं अगर कैपेसिटर सीरीज में है। फाइन, ये इक्वेशन देख के आपको हो सकता है कि रेजिस्टेंस के पैरेलल कनेक्शन वाली इक्वेशन याद आए। ओके, अब अगर मान लीजिए कि आपके पास सिर्फ दो ही कैपेसिटर हैं, फाइन, अगर आपके पास दो ही कैपेसिटर हैं तो आप सी इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? 1 बाई सी इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1 बाई सी1 प्लस 1 बाई सी2। तो जो C इक्विवेलेंट आएगा दोस्तों वो होगा C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। फाइन, ये इस केस में है जब दो ही कैपेसिटर हैं, राइट। दिस इज इक्वल टू C1 मल्टीप्लाइड बाय C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू C2 मल्टीप्लाइड बाय C1 बाय C1 प्लस C2। फाइन, जब आप इसको इस तरह से लिखते हैं तो आप ये पाएंगे कि जो ब्रैकेट में जो टर्म है वो लेस देन वन है, ये भी लेस देन वन है और ये जो इनसाइड द ब्रैकेट है ये भी लेस देन वन है, ठीक है। तो पहले केस में आपने C1 को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया जो लेस देन वन है और पॉजिटिव है, और C2 को फिर आपने एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया जो कि लेस देन वन है और पॉजिटिव है और दोनों इक्वल है। फाइन, तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो C1 से भी छोटा होगा और C2 से भी छोटा होगा। फाइन, तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आता है दोस्तों सीरीज कनेक्शन में, दैट इज लेस देन द लीस्ट ऑफ ऑल कैपेसिटर्स। फाइन, चलिए अब हम डिराइव करते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटर जब कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। तो भाई पैरेलल कनेक्शन कुछ इस तरह से दिखता है, ये रही बैटरी, ये कैपेसिटेंस C1 है, ये C2 है और ये C3 है, और मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं इन तीनों को रिप्लेस करके एक सिंगल कैपेसिटर लगा दूं तो ये जो आएगा इसको अगर मैं C इक्विवेलेंट बोलूं तो वो कितना है इन टर्म्स ऑफ C1 C2 एंड C3। फाइन, अब आप देखेंगे कि भाई इसमें कुछ चार्ज जाएगा इस प्लेट में कुछ जाएगा, इसमें कुछ और जाएगा। लेट से दिस इज Q3 चार्ज, यहां पे गया Q2 चार्ज, फाइन, और यहां पे गया Q1 चार्ज। तो टोटल चार्ज कितना दिया बैटरी ने? बैटरी ने दिया भाई Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 चार्ज। तो यहां पर भी उतना ही चार्ज बैटरी को देना पड़ेगा तभी वो इक्विवेलेंट है। तो दिस विल बी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, फाइन। अब चार्ज ऑन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो इस तरह से मैंने यहां पे जो हो रहा है उसको इस सर्किट से कनेक्ट कर दिया। फाइन, ये कनेक्शन है, राइट। अब ये जो Q है इसको मैं लिख सकता हूं C इक्विवेलेंट इनटू V, Q1 को क्या ले सकता हूं C1 इनटू V, Q2 को C2 इनटू V और Q3 को C3 इनटू V। तो C इक्विवेलेंट जो आएगा दोस्तों वो होगा C1 प्लस C2 प्लस C3। फाइन, तो इस तरह से आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। जब पैरेलल में कनेक्टेड होंगे तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी वो सम ऑफ ऑल कैपेसिटेंस होगी। ओके, चलिए अब कुछ इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। फाइन,
क्वेश्चन नंबर वन लिखिए, मेरे पास कैपेसिटेंस कुछ इस तरह से कनेक्टेड हैं, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इसका सी वन सी टू सी थ्री सी फोर आपको निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ओके, अब देखेंगे कि ये दोनों पैरेलल हैं। क्यों पैरेलल हैं? क्योंकि दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, राइट, और ये दोनों सीरीज है। तो इनको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, पहले मैं सीरीज का निकाल, दोनों का इक्विवेलेंस कैसे, वन बाई सी इज इक्वल टू वन बाई सी वन प्लस वन बाई सी टू, तो सी जो है आ जाएगा मेरा सी वन सी टू बाई सी वन सी टू, तो इस कैपेसिटेंस की वैल्यू हो जाएगी सी वन सी टू डिवाइड बाई सी वन प्लस सी टू, और इन दोनों का इक्विवेलेंस है थ्री प्लस सी फोर, तो जाएगा सी थ्री प्लस सी फोर, राइट, दिस इज इक्विवेलेंट टू दैट। अब इन दोनों का इक्विवेलेंस निकालने के लिए मुझे फर्दर ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, इस बार 1 बाई सी हो जाएगा सी वन प्लस सी टू, और ये सी वन सी टू न्यूमरेटर में चला गया, प्लस 1 बाई सी प्लस सी फोर, तो सी इक्विवेलेंट आएगा आपके पास सी वन सी टू सी वन प्लस सी टू मल्टीप्लाइड बाय सॉरी, जब आप इस आएंगे वन बाई सी एंड वन बाई सी करेंगे यहां पर, तो ये सी वन सी टू हो जाएगा और यहां पे आ जाएगा सी वन प्लस सी टू प्लस वन बाई सी थ्री प्लस सी फोर, तो जो सी इक्विवेलेंट आएगा दोस्तों वो होगा C1 C2 C3 प्लस C4 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 C3 प्लस C4 प्लस C1 C2, फाइन। तो इस तरह से आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं इस पर्टिकुलर केस में। ओके, अब हम कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन भी करते हैं। समझ लीजिए कि आपके पास ये सिचुएशन है, ये C1 है C2 है, ये C1 है C2 है, और ऐसे आप कनेक्ट करते चले जाते हैं और इनफाइनाइट कनेक्शंस हैं, फाइन। आपको निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दैट पॉइंट, फाइन। और क्योंकि ये इनफाइनाइट कनेक्ट होते हुए चला गया है, तो अगर मैं एक यहां से पेयर निकाल भी दूं तो इन दोनों के बीच में कितना आएगा C और D के बीच में, जितना भी A और B के बीच में आ रहा है उतना ही C और D के बीच में भी आएगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट सीरीज है, एक घट जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, फाइन। तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से करेंगे, इसको C1 लिख दिए, ये C2 है, और यहां पर मैंने बोल दिया कि ये C इक्विवेलेंट ही है, ठीक है, ये रहा ए और ये। अब इन दोनों के बीच में जो इक्विवेलेंस आएगा वो सी इक्विवेलेंस ही है, फाइन। इन दोनों सम के ये जो दो पैरेलल में है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा प्लस सी इक्विवेलेंट, फिर उसके बाद सी टू प्लस सी इक्विवेलेंट इज इन सीरीज विद सी वन, तो इस तरह से दिखेगा सी टू प्लस सी इक्विवेलेंट, ये रहा कनेक्शन, फाइन। और क्योंकि दोनों सीरीज में सी इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू सी वन इंटू सी टू प्लस सी इक्विवेलेंट डिवाइड बाई सी वन प्लस सी टू प्लस सी इक्विवेलेंट, फाइन। तो जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी दोस्तों, तो सी इक्विवेलेंट सी वन प्लस सी टू प्लस सी इक्विवेलेंट स्क्वायर, फाइन, इक्वल टू सी टू प्लस सी वन इंटू सी इक्विवेलेंट, सो सी इक्विवेलेंट स्क्वायर सी टू इंटू सी
equivalent minus C1 C2 is equal to 0. ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसका जो आंसर होगा वो होगा सी इक्वल, ओके। चले एक और टाइप का अभी कर लेते हैं। ये सर्किट पहले बना लीजिए, ये सी वन, आपको निकालना है चार्ज ऑन सी थ्री, तो कैसे आएगा ये? अब इस सर्किट को पहले आप ध्यान से समझ लीजिए। कई बार क्या होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं बॉडी में होते हैं और वो कंटिन्यूअसली जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालने की हड़बड़ाते हैं, सब कुछ करते चले जाते हैं और एंड में उनको समझ में आता है कि सब और ही था, ओके। यहां पर आप देखेंगे कि ये दोनों सीरीज में है, राइट, तो इन दोनों में जो है सेम चार्ज होगा और वो इन दोनों के इक्विवेलेंस में भी होगा, फाइन, तभी तो वो सीरीज कनेक्शन है, राइट। तो इसको अगर मैं इस तरह से लिख दूं, सी वन तो क्या ये कहना होगा कि पहले तो ये जो कैपेसिटर है इन दोनों का इक्विवेलेंस है, तो जितना चार्ज इसमें वही चार्ज इसमें ही होगा, ये कहना सही है, राइट, तभी तो ये सीरीज में है और ये दोनों पैरेलल में है, राइट, तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, तो इसको मैं इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं, भाई ये मेरा पोटेंशियल डिफरेंस वी सी वन सी फोर प्लस सी टू सी थ्री डिवाइड बाई सी टू प्लस सी थ्री, राइट। इसको समझ लीजिए, मैं इसको बोल देता हूं कि ये सी फाइव है, फाइन। तो अब सी फाइव और सी वन दोनों सीरीज में है, ओके, और दोनों सीरीज में है तो दोनों में चार्ज सेम होगा, राइट, तो इन दोनों का इक्विवेलेंस निकाल के आप इसके अंदर चार्ज निकाल सकते हैं, फाइन। कैसे निकालेंगे चार्ज? सबसे पहले तो इक्विवेलेंट निकाल लीजिए, इक्विवेलेंट होगा आपके पास सी वन सी फाइव डिवाइड बाई सी वन प्लस सी, राइट, तो चार्ज हो जाएगा आपके पास सी वन सी फाइव डिवाइडेड बाई सी वन प्लस सी फाइव इंटू वी। ये चार्ज जो है इन दोनों के इक्विवेलेंस में है, मतलब सेम चार्ज यहां भी है और यहां भी है, राइट, तो आपने चार्ज निकाल लिया, तो क्या आप इन दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं वन और टू के बीच में? बिल्कुल, जो भी चार्ज आया डिवाइडेड बाई सी वन जो है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, सो क्यू डिवाइडेड बाई सी वन हो जाएगा सी फाइव वी डिवाइडेड बाई सी वन प्लस सी फाइव। क्यों निकाला? क्योंकि भाई मुझे दोनों पॉइंट के बीच डिफरेंस चाहिए टू और थ्री के बीच में, ओके, वो क्यों चाहिए? वो इसलिए चाहिए ताकि मैं चार्ज सी फोर और इस निकाल सकूं। क्यों निकालना है? क्योंकि जो भी चार्ज इसमें होगा वही इसमें और इसमें भी होगा, ओके, तो इसलिए मुझे पोटेंशियल की जरूरत पड़ रही है इन पॉइंट के बीच में, तो पहले तो इन दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया जो कि ये है, और वी माइनस दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू थ्री, राइट, तो वी माइनस सी फाइव वी डिवाइड बाई सी वन प्लस सी फाइव, ये है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड थ्री। कितना आएगा ये? सी वन वी डिवाइडेड बाई सी वन प्लस सी फाइव, ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट जो कि ये दोनों पॉइंट भी, राइट। मुझे चार्ज निकालना है इस कैपेसिटर पे, उस कैपेसिटर पे चार्ज निकालने के लिए जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आया, ठीक है,
इसको हम लोग लिखेंगे Q is equal to C to V, तो C5 है, C to V, तो चार्ज आ जाएगा मेरे पास C1 C5 V divided by C1 plus C5, ठीक है। तो यहां पे थोड़ा सा कैलकुलेशन बहुत ज्यादा आपको दी होगी क्योंकि बहुत टर्म्स आ रहे हैं, लेकिन जब वैल्यूज दी होगी क्वेश्चंस में तो हो सकता है कि थिंग्स विल गेट सिंप्लीफाइड, लेकिन आपको यहां पे कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये जो भी हमने पढ़ा है वो यहां पर बहुत अच्छी तरह से यूज हो रहा है, ये दोनों सीरीज में है, राइट। तो इनका जो इक्विवेलेंस आएगा दोस्तों, इसमें जो भी चार्ज होगा वो इन में होगा, फाइन। तो वो इसके अंदर चार्ज निकालने के लिए मुझे पहले इसके अंदर चार्ज निकाल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा, ताकि इन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मैं निकाल पाऊं, उसके बाद ही मैं चार्ज निकाल सकता हूं कितना है इसके अंदर, ओके?